होशंगाबाद के स्कूलों में कार्यशाला आयोजित कर गुड टच बैड टच के अलावा ट्रैफिक अवेयरनेस, साइबर क्राइम और स्वयं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बच्चों से बातचीत की गई और उन्हें समझाइश दी गई। इसी प्रकार की हेल्पलाइन है, उनके बारे में बच्चों को बताया गया। साथ ही सभी बच्चों को समाज में फैल रही बुराई के खिलाफ कैसे जागरूक रहें और अपनी रक्षा कैसे करें आदि के बारे में भी बताया गया। मजबूत होती है, अगर इससे आपने किसी को मारा इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते बताओ आपके कराटे में। ये 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां आप कहीं फंस गए सामने वाले ने आपके दोनों हाथ भी पकड़ लिए हैं, दोनों हाथ पकड़ लिए, अब आप छोटे और कमजोर हो, अब आपके पास क्या बचा? ये और सबसे इम्पोर्टेंट सामने वाले का फेस आपके सामने है, आप पूरी ताकत से अपना हेड उसकी नाक पे मार दीजिए। महिला सेवा दल प्रदेश सचिव स्वाति गौर ने बताया कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम के जरिए इस बात को हम प्रदेश स्तर तक पहुंचा सकें। हमारी कोशिश है कि इस बात को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चे अधिक से अधिक टाइम स्कूलों में बिताते हैं और शिक्षकों द्वारा जो भी सिखाया जाता है वह बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि यह पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एक आयोजन रखा गया था जिसमें बच्चों को गुड टच बैड टच से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। गुड टच बैड टच के साथ में ट्रैफिक अवेयरनेस, साइबर क्राइम और स्वयं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बच्चों से बातचीत की गई और उन्हें समझाइश दी गई। ये एक बैड टच गुड टच के लिए प्रोग्राम रखा गया था। हमने महिला सेवा दल और NSI वालों ने मिलके एक प्रोग्राम रखा, एक मुहिम चलाई है कि जो कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम के जरिए हम प्रदेश स्तर तक ये कार्यक्रम को ले जाना चाहते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि हम एक भी असीफा, एक भी निर्भया और एक भी प्रियंका को अगर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से बचा लेते हैं तो हम सोचेंगे कि यह हमारा प्रोग्राम सफल रहा। जी, हम पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी, हम ये आगे तक दिल्ली तक ये बात ले जाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि पाठ्यक्रम में हमारे जो शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री हैं, वो इस चीज को सुने, समझें कि हम क्यों ये चाहते हैं कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं अधिक से अधिक टाइम स्कूलों में बिताते हैं और शिक्षकों द्वारा जो कि सिखाया जाता है वो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। यहाँ पे गुड टच और बैड टच का प्रोग्राम हुआ है, जैसे हमको ये देखने के लिए मिला है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है जरूरी, क्या गुड है और क्या बैड है। और क्या चाहते हैं आप लोग प्रोग्राम को लेकर कि ये पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए? क्या फायदा होगा इससे? ये पता चलेगा कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है और जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सकता है, ये सबको पढ़कर समझकर और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। दबंग न्यूज के लिए होशंगाबाद से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।